शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से 8 घंटे पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया गया है, जिस पर आम आदमी पार्टी में बवाल मचा हुआ है और पार्टी पुरजोर विरोध कर रही है। इस पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस पार्टी को देश की किसी भी व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। सत्ता में आने से पहले ये बड़ी बड़ी बातें करते थे कि अगर किसी पर आरोप भी लगे तो उसे पद से हटा देना चाहिए। सीबीआई जैसी संस्था किसी को भी बिना सबूत के नहीं पकड़ती। उन्होंने कहा कि जब सीबीआई को तथ्य मिले हैं तभी सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस दौरान विज ने आम आदमी पार्टी को लेकर और क्या कुछ कहा वो आप भी सुनिए। ये तो जो पार्टी है इनको देश की किसी भी व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। सत्ता में आने से पहले ये बड़ी बड़ी बातें करते थे कि किसी पे आरोप भी लगे तो बिना जांच के उसको हटा देना चाहिए। अब सीबीआई जैसी संस्था बिना सबूत के किसी को अंदर नहीं करती है, और उन्होंने लंबी जांच की है। लंबी जांच के बाद जब उनको तथ्य मिले हैं तभी उन्होंने इनको गिरफ्तार किया है। बिना मतलब के वो इनको हीरो क्यों बनाएंगे, और वो तथ्य सामने आ जाएंगे और इनको अपनी बात कहने का अवसर कोर्ट में मिलेगा। परंतु इस पार्टी ने तो हमेशा ये दंगा प्रेमी पार्टी है, हमेशा ये दंगा करते हैं हर बात के। वहीं बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव द्वारा दिए गए विवादित बयान पर अनिल विज ने कहा कि ये आजकल विपक्ष का एक चलन हो गया है कि वो हमारे वीर सैनिकों को रोज डीमोरलाइज करते हैं। विज ने कहा कि अब जो बॉर्डर पर लड़ने वाला सिपाही है वो दुश्मनों से लड़े या देश में लोगों से। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।